40 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया है। जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा किया है। 5 साल से कम सजा वाले मामले की बंदी हैं, तो वहीं जिसमें 35 पुरुष हैं और 5 महिलाएं शामिल हैं। न्यायालय के आदेश पर इन्हें रिहा किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते यह राहत दी जा रही है और मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला जेल से 40 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया है। कैसे लिया गया है और कितने लोगों को रिहा किया गया? कोविड-19 को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समिति गठित की गई थी, जिसके निर्देश में माननीय DJ साहब और जिले के जितने भी न्यायालय हैं उन जिले से संबंधित जितने ऐसे बंदी जो 5 वर्ष तक की सजा की धाराओं में जेल में बंद थे, उन सभी पुरुष ऐसे सभी पुरुष बंदियों को रिहा किया गया है और महिला बंदियों को भी रिहा किया गया है। 5 महिला बंदी आज छूटी हैं और 35 पुरुष बंदी आज छूटे हैं। सर, ये यहाँ से निकलने के बाद इनके पास ऊपर केस तो चलेगा? हाँ, केस तो इनके ऊपर चलेगा। ये अंतरिम जमानत है 45 दिन की और सभी को एक डेट बताई गई है कि 14 मई को आपको माननीय न्यायालय के समक्ष वापस उपस्थित होना है। सर, और भी बंदियों को छोड़ने का वो है? कुछ मियादी बंदियों के आपात पैरोल की प्रक्रिया चल रही है, वो भी छूट सकते हैं। कुछ ऐसे बंदी जिनकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी जानकारी हमसे मुख्यालय मांग रहा है, वो भी उनकी भी छूटने की संभावना है। किस मामले में आप यहाँ थे और कब कितने दिन से थे? 11 माह से थी मैं। अपनी भाभी ने सुसाइड कर लिया, उस मेरे से थी मैं। तो अब कैसा लग रहा है बाहर जा रहे हैं? बहुत बेटर फील कर रही हूँ और अच्छा फील कर रही हूँ। तो क्या सही में आप जो घटना घटी थी वो सही थी कि झूठी थी? घटना तो सर गलती थी जो घटी थी। और आप लोगों को? नहीं, हम लोग तो बेमतलब फंसे चुके हैं, हम लोग तो घर भी नहीं थे वारदात के समय, लेकिन गलती हुआ। क्या नाम है आपका? नाम है प्रवीण भंडागरे। प्रवीण, कैसा लगा ये 25 दिन जो आप यहाँ रहे हैं? थोड़ा बेकार लगा, पर जेल में सुरक्षित थे। कैसे सुरक्षित थे? जेलर साहब ने और सुप्रिटेंडेंट साहब ने ये जो कोरोना की जो बीमारी आई है इससे बचने के उपाय बताए, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, कब खाना है, कब नहाना है, कब बैठना है। किस मामले में आप आए थे और क्या स्थिति थी उस समय? जेल ठीक थी, जेल में तो एहसास नहीं हुआ कि बीमारी। 25 आम सेक्ट में।